नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम रिव्यू करेंगे मारुति सुजुकी आल्टो 800 VXI का। ये BS6 गाड़ी है, यानी BS6 इंजन है, अपग्रेडेड इंजन दिया गया है इसमें। तो इसमें आपको BS6 कंप्लाइंट मिलेगा इंजन, इसमें आपको अपग्रेडेड इंजन दिया गया है, सारे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। फ्रंट में आपको हैलोजन हेडलैम्प के साथ इंडिकेटर, एस का मोनोग्राम क्रोम फिनिश के साथ दिया गया है। लोअर ग्रिले आपको ब्लैक ही मिलेंगी, देख रहे हैं आप। और बात करेंगे व्हीलों की, तो इसमें आपको व्हीलों का साइज़ है 145/80R 12 इंचिस के व्हील दिए गए हैं, सिल्वर व्हील कवर के साथ। C8 के टायर मिलेंगे आपको इसमें, सिल्वर व्हील कवर मिलते हैं, यानी फुल व्हील कवर मिलते हैं आपको। ट्यूबलेस टायर मिलेंगे आपको इसमें। ये साइड प्रोफाइल है गाड़ी की, साइड प्रोफाइल से बहुत ही बढ़िया लुक है गाड़ी का देखने में। बात करेंगे सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको डुअल एयरबैग दिए गए हैं, ABS विथ AVD, रिवर्स पार्किंग सेंसर, सीट बेल्ट रिमाइंडर, इंजन इमोबिलाइजर। तो ये सारे सेफ्टी फीचर्स आपको इस गाड़ी में मिलेंगे, कंपनी फिटेड। और बात करेंगे माइलेज की, तो 22 KMPL की माइलेज मिलती है इसमें आपको, जो कि कंपनी क्लेम करती है। बात करेंगे डायमेंशन की, तो 3395 mm की लेंथ है, विड्थ है 1490 mm की, हाइट है 1475 mm की इसकी हाइट है। बात करेंगे ग्राउंड क्लियरेंस की, तो 160 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है इसकी। और बात करें अगर टर्निंग रेडियस की, तो इसमें आपको 4.6 meter का टर्निंग रेडियस दिया गया है। बात करेंगे सस्पेंशनों की, फ्रंट सस्पेंशन मैकफर्सन स्टड टाइप दिए गए हैं फ्रंट सस्पेंशन, रियर सस्पेंशन आपको थ्री लिंक रिंच टाइप मिलेंगे रियर सस्पेंशन। इसके फेंडर पे इंडिकेटर दिए गए हैं, साइड मिरर आपको ब्लैक दिया गया है, डोर हैंडल बॉडी कलर दिए गए हैं, और साइडों में आपको क्लाइडिंग दी गई है जो कि आपकी गाड़ी को स्क्रैचेस से सेफ रखेगी। और ये रियर प्रोफाइल है गाड़ी की, रियर प्रोफाइल से बहुत ही बढ़िया लुक है गाड़ी का देखने में। रियर में आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप दिया गया है, अल्टो गाड़ी है तो उसका बेजिंग दी गई है उसकी, एस का मोनोग्राम क्रोम फिनिश के साथ। डुअल आपको पार्किंग सेंसर दिए गए हैं इसमें, यानी दो ही पार्किंग सेंसर मिलते हैं आपको रियर में सेफ्टी फीचर्स में, जो कि बम्परों पे आप देख ही पा रहे हैं। और ये दूसरी साइड की प्रोफाइल है गाड़ी की, दूसरी साइड से भी बहुत ही बढ़िया लुक है गाड़ी का देखने में। बात करेंगे कलर ऑप्शंस की, तो इसमें आपको 6 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है गाड़ी, जिसमें कि पहला है सुपीरियर वाइट, दूसरा सिल्की सिल्वर, तीसरा है ग्रेनाइट ग्रे, जो कलर आप देख रहे हैं ग्रेनाइट ग्रे कलर है गाड़ी का, चौथा है ब्लू, पांचवा है मजेंटो ग्रीन, और छठा है रेड। तो ये 6 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है गाड़ी, जो कलर आपको पसंद हो ले सकते हैं। व्हील बेस है इसका 2360 mm का, कर्व वेट है 727 kg का, और ग्रॉस वेट है 1185 kg का। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 35 लीटर की दी गई है इसमें। बात करेंगे प्राइस की, तो इसका एक्सशोरूम प्राइस है 3,71,000 इसका एक्सशोरूम प्राइस है। ऑन रोड प्राइस की बात करें तो 4,05,000 इसका ऑन रोड प्राइस है, न्यू दिल्ली का प्राइस है ये 4,05,000। और जो गाड़ी आप देख रहे हैं VXI ऑप्शनल गाड़ी है, इसमें जो वेरिएंट आते हैं स्टैंडर्ड LXI VXI और VXI ऑप्शनल, LXI ऑप्शनल में भी अवेलेबल है गाड़ी। अगर आप CNG लेना चाहते हैं तो आपको LXI वेरिएंट में ही CNG आती है, VXI वेरिएंट में CNG आपको नहीं मिलेगी। फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक ही मिलती है इसके सभी वेरिएंट में, और क्लाइडिंग दी गई है डोरों पे, जो कि आप देख रहे हैं। और चलेंगे अब बैक डोर खोल लेते हैं, बूट स्पेस देख लेते हैं कैसा बूट स्पेस मिलता है आपको इस गाड़ी में। रूफ पे एंटीना दिया गया है इसमें, तो बैक डोर खोलने के लिए आपको ड्राइवर साइड ही दो लीवर दिए गए हैं, फ्यूल डोर और बैक डोर खोलने के लिए। तो हमने बैक डोर खोल लिया है, बूट स्पेस देखेंगे। तो इसमें आपको रियर पार्सल ट्रे दी गई है, जो कि ये कंपनी फिटेड है ये रियर पार्सल ट्रे जो आप देख रहे हैं। और ये आपका स्पेयर व्हील है, जो कि आपको ब्लैक ही दिया गया है, साइज़ भी सेम ही है, 12 इंचिस का ही मिलेगा। 177 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा आपको, यानी 177 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। और हैचबैक गाड़ी है,
उस हिसाब से ठीक ठाक बूट स्पेस आपको मिल जाता है इसमें। चलते हैं रियर डोर के इंटीरियर में। तो इसमें आपको इनसाइड हैंडलों पर सिल्वर फिनिश दी गई है। ये वाला डोर आपको मैनुअल ही दिया गया है। सेंटर लॉकिंग भी मैनुअल ही करेंगे आप इसमें। और सीटों के हेडों की बात करेंगे तो फिक्स्ड दिए गए हैं सीटों के हेड, इसमें एडजस्टेबल नहीं मिलेंगे। इसके किसी भी वेरिएंट में एडजस्टेबल नहीं मिलते सीटों के हेड। और डुअल टोन में दी गई है अपहोस्टरी ब्लैक एंड बीच। ये वाला डोर भी आपको मैनुअल ही दिया गया है। तो रियर के दोनों ही डोर आपको मैनुअल मिलेंगे। सिल्वर फिनिश दी गई है इनसाइड हैंडलों पे। और स्पीकर नहीं मिलेगा आपको रियर के डोरों पे। कोई स्पीकर या बोतल होल्डर रखने का स्पेस नहीं दिया गया है इसमें। और ग्रिप असिस्टेंट दिए गए। ये वाला डोर भी आपको सेंट्रल लॉकिंग दिया गया है मैनुअली और ग्रिप असिस्टेंट के साथ। अपर में ग्रिप असिस्टेंट देख लिया आपने। और अगर हम बात करें लेग रूम की, तो इसमें आपको ठीक ठाक लेग रूम दिया गया है। जिस रेंज की गाड़ी है उस रेंज में आपको ठीक ठाक लेग रूम ही मिल पाता है। हैचबैक गाड़ी है तो बढ़िया लेग रूम है। और इसमें आपको फ्रंट सीटों के हेड आपको फिक्स दिए गए हैं जैसे मैंने आपको बता ही दिया था इसमें। और जैसा कि मैं रियर पैसेंजर सीट पर बैठा हूँ तो मैं फ्रंट डैशबोर्ड की एक लुक दे देता हूँ। कैसा लगता है आपको फ्रंट डैशबोर्ड देखने में? तो डुअल टोन में दिया गया है फ्रंट डैशबोर्ड का लुक, जो कि अपोस्ट्री से आपकी मैच करता हुआ दिखेगा। ब्लैक एंड बीच, तो अपोस्ट्री से मैच करता हुआ आपको फ्रंट डैशबोर्ड दिया गया है इसमें। और यहाँ पे आपको रियर के दोनों ही डोरों पे आपको चाइल्ड सेफ्टी लॉक भी दिया गया है। देखिए सेफ्टी फीचर्स में। और चलेंगे अब फ्रंट डोर के इंटीरियर में। और फ्रंट डोर का डोर ट्रिम देख रहे हैं आप, जिसमें कि आपको ये वाला डोर भी मैनुअल ही दिया गया है। सेंट्रल लॉकिंग करेंगे आप इसे, मैनुअल सेंट्रल लॉकिंग दिया गया है इसमें। फ्रंट के दोनों डोर पावर विंडो मिलेंगे सिल्वर फिनिश के साथ। मैप पॉकेट का स्पेस दिया गया है, साथ में स्पीकर। बोतल रखने का स्पेस नहीं मिलेगा आपको फ्रंट के दोनों ही डोरों पर। और साथ में ही साइड मिरर को आप नोब द्वारा एडजस्ट करेंगे। ड्राइवर सीट देख रहे हैं आप, जो कि ओनली एडजस्ट दी गई है। हाइट एडजस्ट नहीं मिलेगी आपको ड्राइवर सीट। और राइट साइड में आपको एसी वेंट्स दिए गए हैं। सिल्वर फिनिश मिलेगी आपको देखने को, राउंड शेप में दिए गए हैं एसी वेंट्स। नीचे आएंगे तो हेडलाइट लेवलिंग के स्विचेस दिए गए हैं राइट साइड में ही। की देख लेते हैं, तो दोनों की आपको रिमोट नहीं मिलेगी, एक ही की रिमोट दी गई है इसमें। देखिए लॉक अनलॉक कर सकते हैं, तो एक की रिमोट मिलेगी, एक की नॉर्मल दी गई है इसमें। तो रिमोट द्वारा आप चारों डोरों को सेंट्रल लॉकिंग कर सकते हैं। तो सेंट्रल लॉकिंग की दी गई है इसमें। बात करेंगे स्टीयरिंग व्हील की। स्टीयरिंग व्हील में आपको देखिए सिल्वर फिनिश दी गई है। और साथ ही साथ SRS एयरबैग एस का मोनोग्राम क्रोम फिनिश के साथ दिया गया है सिल्वर फिनिश के साथ। टिल्ट स्टीयरिंग नहीं मिलता आपको, थ्री स्पोक व्हील के साथ दिया गया है स्टीयरिंग व्हील। और राइट साइड में हेडलाइट के, लेफ्ट में वाइपर के कंट्रोल्स दिए गए हैं। बात करेंगे MID की, तो इसमें आपको कुछ वार्निंग लाइटें दी गई हैं, देख ही रहे हैं आप इसमें। और इसमें आपको छोटी सी डिजिटल डिस्प्ले दी गई है जो फ्यूल और किलोमीटर आपको इसमें शो कर देगी। सेंटर में दो AC वेंट्स दिए गए हैं हजार के स्विचेस के साथ। बात करेंगे इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो इसमें आपको CD प्ले नहीं कर सकते, USB ऑक्स के ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। और सिल्वर फिनिश दी गई है साइडों में, देखिए FM AM आप इसमें चला सकते हैं। और नोबो पे क्रोम फिनिश मिलेगी। मैनुअल AC दिया गया है इसमें, मैनुअल AC दिया गया है। 12 वाट का चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है इसमें, देखिए कंसोल पे ही। और यहाँ पे दो कप होल्डर रखने का स्पेस दिया गया है। और बात करेंगे गियर लीवर की, 5 फॉरवर्ड 1 रिवर्स के साथ गियर लीवर दिया गया है इसमें। और फ्रंट के दोनों डोर आपको पावर विंडो मिलते हैं, जो कि कंट्रोल यहाँ पे दिए गए हैं सेंटर में। यहाँ से कंट्रोल करेंगे। और ये हैंड ब्रेक लीवर जो कि नॉर्मल ही दिया गया है इसमें। ये आपका ग्लो बॉक्स है जो ठीक ठाक स्पेस मिल जाता है आपको इसमें। एक SRS एयरबैग और मिलेगा आपको को ड्राइवर साइड। और ये वाला डोर भी आपको पावर विंडो दिया गया है, यहाँ पे भी आपको मैप पॉकेट का स्पेस मिलेगा। और साथ में स्पीकर। और फ्रंट में आपको सनवाइज़र दिया गया है और साथ में ही रीडिंग लैंप, IRVM, को ड्राइवर सर, साथ में ग्रिप असिस्टेंट। तो इंटीरियर आपने देख लिया,
अब चलेंगे इंजन रूम में। हुड खोलने का ऑप्शन ड्राइवर साइड ही है, तो हमने हुड खोल लिया है। आ गए इंजन रूम में। हुड के इनसाइड कोई कवर नहीं दिखेगा आपको, जो कि इंजन की वाइब्रेशन को कंट्रोल करता है। ये यहाँ पे आपको ABS दिया गया है, यानी एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम। तो इसमें आपको BS6 इंजन देख रहे हैं आप, यानी BS6 गाड़ी है, अपग्रेडेड इंजन है इसमें। सेफ्टी फीचर्स भी इसमें सारे दिए गए हैं जो एक गाड़ी में होने चाहिए। तो इसमें आपको 3 सिलेंडर इंजन दिया गया है, मारुति का सबसे छोटा इंजन यही है जो कि आप देख रहे हैं। और इसमें आपको ID प्लेट यहाँ पे दी गई है इसकी, यानी इंजन और चेसिस नंबर, इंजन नंबर आप यहाँ से देख सकते हैं अपनी गाड़ी का। और बात करेंगे इंजन CC की, तो 796 CC का इंजन दिया गया है इसमें, 3 सिलेंडर। बात करें पावर की, तो 48 BHP की पावर मिलेगी 6500 RPM पे। अगर हम टॉर्क की बात करते हैं, 69 Nm की टॉर्क मिलेगी 3500 RPM पे। सो फ्रेंड्स, ये था रिव्यू मारुति सुजुकी अल्टो 800 VXI ऑप्शनल का BS6 गाड़ी का रिव्यू आपने देखा। ये रिव्यू अगर आपको अच्छा लगा हो जरूर लाइक कीजिए इस वीडियो को। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। इस वीडियो को अगर फेसबुक पर देख रहे हैं जरूर फॉलो करें। तब तक के लिए सीट बेल्ट पहनिए, हेलमेट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।